कुछ दिन पूर्व हुए सांसद हिमाद्री सिंह के क्षेत्रीय दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद प्रतिनिधि पद्मेश गौतम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया था। वहीं आज सांसद प्रतिनिधि पद्मेश गौतम द्वारा अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया गया है और आरोप लगाने वालों को निष्क्रिय और भ्रष्टाचारी बताते हुए कार्रवाई की बात की है। कांग्रेसियों द्वारा जो भी आरोप लगाए गए, पहला तो ये कि उनके पास कोई भी ऐसा प्रमाण साक्ष्य नहीं है। दूसरा ये है कि कांग्रेसियों का उस पूरे क्षेत्र में, बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में, उनके विधायक का, उनके नेताओं का व्यापक विरोध है। और वर्तमान स्थिति ये है कि भाई उनके पास कोई किसी भी प्रकार का जनता के बीच में जाने का कोई माध्यम नहीं बन रहा। तो एक प्रसिद्धि पाने के लिए, या इस तरह से कहें कि कहीं ना कहीं अनर्गल आरोप लगा के एक चर्चा में आने के लिए, उन लोगों के द्वारा इस तरह का टिप्पणी और जो भी अनर्गल चर्चाएं जगह जगह की जा रही हैं, इसमें कोई आधार नहीं। वहीं जिला उपाध्यक्ष भजन राजा चौरसिया ने भी अपनी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पर भ्रष्टाचार के आरोपों को नकारते हुए चुनौती दी है कि अगर आरोप सिद्ध कर दिए गए तो हम बिना देर करते हुए त्वरित कार्रवाई करेंगे, और अगर साबित ना कर पाए तो आरोप लगाने वालों पर भी कार्रवाई करवाई जाएगी। पहली बात तो ये, सांसद भारतीय जनता पार्टी का, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सांसद को किसी कांग्रेसी से पूछ के प्रतिनिधि बनाने की आवश्यकता नहीं है। और जो खुद भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हो, वो अगर दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएं, ये शोभा नहीं देता। तीसरी बात, अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है तो भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय को वो उपलब्ध कराएं, भारतीय जनता पार्टी उसकी पूरा जांच कराएगी। और अगर नहीं पाया गया तो क्या वो कांग्रेसी अपने आप को क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हम उनके ऊपर क्या दफा 500 करेंगे? कटनी से EMS TV के लिए अमित तिवारी की रिपोर्ट।